सबसे डरपोक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी। संघर्ष से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कभी घबराते नहीं। कहीं रोको, जहां रोकोगे वहीं हम जनता की आवाज होगा। और इस सरकार में ना कोई महिला, ना कोई स्टूडेंट, ना कोई आदिवासी, दलित कोई भी सुरक्षित नहीं है। खास करके महिलाएं तो बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। सरकारी नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी? और अगर हेमंत सरकार को हम लोगों से भाजपा से डर नहीं है, झारखंड की जनता से डर नहीं है, तो फिर इस तरह से जो हथकंडे अपना रहे हैं उससे हम लोग भयभीत होने वाले नहीं है। प्रभात तारा मैदान की, जहां की हेमंत हटाओ झारखंड बचाओ की जो है भाजपा का सचिवालय घेराव का कार्यक्रम चल रहा है। और आज जैसा कि पहले से निर्धारित था कि 11 अप्रैल को जो है पूरे भाजपा के तमाम जो नेता है, कार्यकर्ता है, वह जो है सचिवालय का घेराव करेंगे। मंच पर देखिए कि किस तरीके से जो पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, बाबूलाल मरांडी, प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, जितने भी सांसद हैं, विधायक हैं, वह तमाम जो है मंच पर विराजमान है। लगातार जो है भाषण चल रहा है। प्रभात तारा मैदान में आप देखेंगे भाजपा के तमाम जो कार्यकर्ता है वह पहुंचे हुए हैं। कहाँ से आए हैं, क्या करना चाहेंगे? हम लोग बागमारा से आए हैं। क्या घेराव करने के लिए? घेराव करने के लिए झारखंड सरकार के खिलाफ, हेमंत सरकार के खिलाफ। क्या काम अच्छा नहीं हो रहा है? नहीं, काम अच्छा नहीं हो रहा है। राज्य में या केंद्र में? राज्य में। क्या सरकार बोलती है कि सरकार जो अपना वादा किया था वो अभी तक पूरा नहीं किया है? उन्होंने कहा था कि हम लोग हजारों हजार आदमी को बेरोजगार देंगे, लेकिन रोजगार नहीं दे पाए। भाजपा ने भी तो कहा था 2 करोड़ रोजगार, भाजपा ने दिया रोजगार, दिया केंद्र में दिया और राज्य में भी दिया। 2 करोड़ कहा था उन्होंने। आप आंकड़ा कर लीजिए, भारतीय जनता पार्टी जब सरकार में थी रघुवर सर उनका आंकड़ा देख लीजिए, जो अभी केंद्र सरकार मोदी जी उनका आंकड़ा देख लीजिए आप। अभी कोयला चोरी, लाखों आदमी जाम ताड़ा से दूसरे जगह से आके कोयला चोरी कर रहे हैं। हमारे जो माननीय विधायक ढुलू महतो जी है, ये देखिए अमित जो है वो गोड्डा के जो विधायक है वह अमित मंडल जो है वह कर रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं। और ये तस्वीरें देखिए कितने तमाम जो है ये तमाम कार्यकर्ता भाजपा के जो आज घेराव करने की बातें कर रहे हैं। सभी जो है अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों से तमाम कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं। अब देखिए तस्वीरें जो है जितने भी विधायक हैं, सांसद हैं, वह जो है जय श्री राम, भारत माता की जय के जो है नारे लग रहे हैं। तमाम कार्यकर्ताओं को आप देखिए किस तरीके से कहां से सभी जो है आए हैं। महिला नेता से भी बात करेंगे, क्या कुछ कहेंगे मैडम? आज घेराव करने आए हैं आप? हम लोग यहां आए हैं, सॉरी, ये जो हेमंत सरकार है ये भ्रष्टाचारियों की सरकार है। और इस सरकार में ना कोई महिला, ना कोई स्टूडेंट, ना कोई आदिवासी, दलित कोई भी सुरक्षित नहीं है। खास करके महिलाएं तो बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। मैं डॉक्टर सुनीता देवदूत सोरेन हूँ, ईस्ट सिंहभूम घाटशिला से आई। घाटशिला से लाठी खाना पड़ेगा, लाठी खाएंगे, लेकिन घेराव करेंगे जनता के लिए। लाठी खाएंगे तो तैयार है, लाठी खाएंगे घेराव करेंगे। तो देखिए जनता के लिए जो है लाठी भी खाने के लिए तमाम जो है जो भाजपा के नेता है वह तैयार है। आप देखिए कि जो आज घेराव का कार्यक्रम रखा गया है ये सुबह से ही दलितों पर अत्याचार बंद करो और जो आदिवासियों को शोषण की बात कही जा रही है और तमाम जो रोजगार की बात कही जा रही है। शोभा यादव है, शोभा यादव से बातचीत करेंगे, चूंकि महिला नेत्री है। मैडम एक ही मकसद, पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखा है, लाठी चार्ज करेगी तो कैसे घेराव कीजिएगा? आज तो हम लोग लाठी चार्ज करें या जेल भेजे, हर स्थिति में सचिवालय का घेराव करेंगे। और अगर हेमंत सरकार को हम लोगों से भाजपा से डर नहीं है, झारखंड की जनता से डर नहीं है, तो फिर इस तरह से जो हथकंडे अपना रहे हैं उससे हम लोग भयभीत होने वाले नहीं। सरकार तो कहती है अच्छे काम कर रही है, रोजगार दे रही है। आप देखे होंगे कि अच्छे काम जो कर रही है, जो नौकरी की बात युवा के साथ जो किए थे उसके साथ छल किया जा रहा, लगातार बलात्कार की केस बढ़ रही है और लगातार नियोजन नीति पे आप बात करेंगे तो लोगों को छलने का काम कर रहा। तो आज जनता आ रही है हेमंत सरकार को सत्ता खाली कर। तो देखिए तमाम जो है महिलाएं भी यहाँ पर जो है आज घेराव करने के लिए पहुंची है। ये महिलाओं जो जिनका कहना है कि भाजपा जो है रोजगार के लिए मुद्दों पर जो सरकार को घेरने का काम करेगी। अब देखिए आने वाले मिला कि नहीं मिला समय है उसमें घेराव के लिए कैसे निकलते हैं यह देखने वाली बात होगी। देखिए देश का राज्यों के मुख्यमंत्री में
सबसे डरपोक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी है और पूरी झारखंड का से जन सैलैब इस निष्क्रिय निकम्मी भ्रष्टाचारी सरकार परिवारवादी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए लाखों की संख्या में जनता आ रही थी और उनको स्पेशल ब्रांच से खुफिया तंत्र से जानकारी हो गई। तब जगह जगह हमारे कार्यकर्ता हमारी झारखंड की जनता को चेकिंग के नाम पर गाड़ी को होल्टेज कर रहा है। इससे साबित होता है कि आज पूरे राज्य में ये वादा खिलाफी सरकार के खिलाफ जल जंगल जमीन और अबुआ राज के नाम पर जिस तरह इन्होंने आदिवासियों का अहित तो किया ही पूरे झारखंड वासियों का अहित करने का काम किया और जनता काफ़ी आक्रोश है और वही आक्रोश प्रकट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आज विराट प्रदर्शन आयोजन था, क्योंकि आज इस सरकार से युवा भी परेशान, महिला भी परेशान, किसान भी परेशान, छोटा व्यापारी बड़ा व्यापारी सब लोग परेशान हैं। इस राज्य में किसी को भी अपनी उज्जवल भविष्य का भविष्य नहीं दिखाई दे रहा है। 144 लगाओ चाहे 148 लगाओ, भारतीय जनता पार्टी का जन्म, जो भारतीय जनता पार्टी आज भारतीय राजनीति के केंद्र बिंदु में, तो संघर्ष के बल पर ही। हम तो मात्र 9 साल और श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी के 6 साल 15 साल ही शासन, इस 75 वर्ष की आज़ादी में 60 साल हम लोग ने संघर्ष की राजनीति की। संघर्ष से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कभी घबराते नहीं। कहीं रोको कहीं रोको, जहां रोकोगे वहीं हम जनता की आवाज़ उठाएंगे। यहां पर आप आएंगे सभी कार्यकर्ता, जहां भी कार्यकर्ता रहेंगे इस सरकार के खिलाफ जो आक्रोश है वहीं प्रदर्शन करेंगे।